Yo guys, what's up? Welcome to a new vlog. आज मेरा कोई एक अंदर लास्ट दिन है और गाइस मैंने अभी नोटिस की, आपने कभी देखा होगा कि जब हम वीडियोस एडिट करते हैं तो वहां पर साउंड इफेक्ट आ रहे होते हैं, इफेक्ट्स पड़ रहे होते हैं, विजुअल इफेक्ट्स आते हैं, ये लोग ये चीजें टीवी पर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सबसे पहले आके अपना सब टाइटल, ये देखो एनिमेशन देख रहे हो यहाँ पर, वो वहाँ पर, पीछे म्यूजिक भी चल रहा है और क्या बोलते हैं उसको, ये साउंड इफेक्ट जो हम डालते हैं ना, पिटिंग कुटुंग किटिंग, वो भी चल रही है भाई। खतरनाक है यार ये सीन तो भाई, एकदम जबरदस्त है। ये देखो विजुअल इफेक्ट कितने मस्त लग रहे हैं ये, मतलब कि एकदम जबरदस्त, टोटली ऑसम एडिटिंग है। और हमारे एडिटर साहब अगर आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो क्योंकि आप एडिटिंग कर रहे हो। पता नहीं क्या मजबूरी है भाई, पता नहीं क्या मजबूरी है हमारे एडिटर की, वो हमारे लिए इतने खतरनाक वाले साउंड इफेक्ट क्यों नहीं डाल रहा। इसके अंदर पानी तो है ना यार, मेरे को चाय भी बनानी है अभी फटाफट से। हाँ आई थिंक इनफ है, एक कप का अपना हो जाएगा, तो इसको रखते हैं यहाँ पर एंड फ्लिक ऑन। मैंने ना स्पेशली ये वाला रूम बुक करा कर रखा था और मेरे को एंजॉय कर रहा था यहाँ का सी व्यू। और आपको तो पता है कि मेरे को एक चीज, जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरे को बहुत अनॉय करती है, वो है बारिश। ठीक है भाई, कितना अच्छा सी व्यू है, एकदम धुंध, ये धुंध तो है ही नहीं और मेरे को पूरा सी दिख रहा है, पूरा सी। अपनी कॉफी भी रेडी हो चुकी है और अभी ये कॉफी एंजॉय करते हैं अपने सी व्यू के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो यह बारिश वाला व्यू भी साउथ कोरिया का इतना माड़ा तो नहीं है। उसके बाद कमरे की सफाई करने के अंदर लग पड़ा और फाइनली अपना टाइम आता है चेकआउट का। और चेकआउट का काम करते करते मेरे को लगा कि क्यों ना थोड़ी देर आज बाहर जाके सैर करते हैं। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मेरे को मिला मेरा पुराना दोस्त बारिश। और अभी चलते हैं ब्रोस बाहर सैर करने। नहीं चलते, ये गाड़ी में ही ठीक है। और ब्रोस गाड़ी से एक चीज मेरे को याद आई, ये रिमोट कंट्रोल वाली चाबी है, मतलब कि मैं चाबी से गाड़ी कंट्रोल कर सकता हूँ बाहर निकल के। चेक कर लेते हैं, बारिश हो रही तो हो रही है लेकिन ये मेरे को चेक करना है। तो सबसे पहले इसे डालना होगा इस वाले मोड के अंदर और निकलते हैं बाहर। तो ओके, अभी अपना सामने वाला रास्ता जो है एकदम क्लियर है, तो मतलब कि अगर ठोकने की कोशिश की इस गाड़ी ने तो वहां पर वो गाड़ी सेफ है अपनी। ऑलराइट, अगर मैं अभी आगे वाला बटन दबाऊं तो ओ पहिए सीधे हो रहे हैं। भाई मेरे को डर लग रहा है यार, ये जाने वाली है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को टेस्ट नहीं करना है। ओके जाती है, मेरे को पता, मेरे को 100% पता है जाती है, या गारंटी जी जाती है। देखो ये आगे जाने का, ये देखो ये आगे जाने का और ये है पीछे जाने का और ये है होल्ड करने का। लेकिन मैं डर रहा हूँ कि अगर गाड़ी नहीं रुकी तो सामने वो देखो जंगला, उसके अंदर जैकेट डूब जाएगी और मेरे को लास्ट दिन के अंदर कोई ट्रबल नहीं खड़ी करनी। लेकिन मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा टेस्ट करने का। एक काम करते हैं, खिड़की खोल लेते हैं, अगर बाय चांस कोई गड़बड़ हुई तो हम खिड़की के अंदर घुस के खिड़की से आके गाड़ी रोक लेंगे। कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। Holy shit! Actually चल रही है। अरे भाई ओके रुक जरूर 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 जबाज हो गया, हो गया ओके। देखा मैंने बोला था अपनी गाड़ी जो है इंटरनेशनल। अच्छा हो रहा अपनी गाड़ी इंटरनेशनल है भाई। देखो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी मेरे पास आ चुकी है यहाँ पर। और कर लो रिमोट कंट्रोल और कर लो और ड्रामे उसकी आँख और कर लो रिमोट कंट्रोल इंटरनेशनल गाड़ी। पेट्रोल डालने की घड़ी आ चुकी है और मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे को सामने एक आंटी जी मिले, उसने सुपर हेल्प करी मेरी सुपर। अभी यार ये चेकिंग कर रहा है और मेरे को बोल रहा है कि तेरी पेमेंट जो है कैंसिल हो चुकी है। मैं उसको ऑनलाइन प्रूफ दिखा रहा हूँ कि मेरी बैंक में से पैसे जा चुके हैं लेकिन नहीं, फिर भी यहाँ पे चेकिंग चालू है। या तो जेल में जाएंगे या तो घर जाएंगे। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि लुबड़े मेरा बिल था 60,000 का, ठीक है, और वो मेरे बैंक में दिखा रहा है 92 pounds। मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैंने पेमेंट करी है पाउंड में। अब वो ये देख के परेशान है कि तेरा बिल जब 60,000 का है, पेमेंट 92 की कैसे आ रही है। अब वो इस बात को नहीं समझ रहा कि एक पाउंड का बनता है 1500 won। वो ये बात इसके दिमाग में नहीं बैठ रही। बहुत टाइम मगजमारी करने के बाद गाइस उन लोगों ने मेरे को बोला कि तू लुबड़ा तू जा, लेकिन असल बात ये है कि इस बारी मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि वो नुबड़े हैं। या तो पेमेंट चली गई है या तो मेरे को वो कोरिया से एकदम बैन की स्टैंप लगाएंगे मेरी पासवर्ड के ऊपर, फिर बताइयो। बाय द वे मैंने 60,000 का पेट्रोल नहीं डाला, मेरा पेट्रोल का बिल था 1.5 lakh का, 1.5 lakh won का पेट्रोल डाल दिया। और ये बात उसके दिमाग में नहीं बैठ रही कि एक पाउंड का बनता है 1500 won। उसको लगता है कि मैंने कोई मनी ग्लिच ढूंढ कर रखा हुआ है। यो अभी ब्रोस हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के ऊपर और देख रहे गाड़ी के अंदर सुपर गन पड़ा हुआ है। और मैंने अभी यहाँ पर ना एक बात नोटिस की, यहाँ पर कहीं बिन है ही नहीं। देख रहे हो मेरे आस पास गाड़ी के अंदर ऊंचे लेवल का रबिश पड़ा हुआ है और एक डस्टबिन नहीं है यहाँ पर। और ये पूरी कंट्री में यही हाल था। चाबी के अंदर एक और फीचर मिला भाई, ये गाड़ी जो है ये डोरेमोन का वो पॉकेट नहीं होती है, वही है, फीचर पे फीचर निकल रहे हैं। एग्जांपल अगर आप पार्किंग लॉट के अंदर घूम रहे हो और आपको अपनी गाड़ी नहीं मिल रही तो आपने सिर्फ ये वाला बटन दबाना है। मिल गई
गाड़ी की सेटिंग सेट करने के बाद ब्रोस मैन निकल पड़ा अपने एयरपोर्ट की तरफ। और मैं बता रहा हूँ ब्रोस, एयरपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी मस्त मस्त टॉयज और चॉकलेट्स की शॉप्स बनी थी कि मैं क्या बताऊं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और इतनी चमकती हुई शॉपों के अंदर जाके मेरे को एक चीज याद आई जो कि मैं हर एक हॉलीडे पे करता हूँ, लेकिन मैंने इस पर नहीं किया। मैं तो एक मेन चीज तो भूल गया, और जो मेरे को अभी ये दुकान देख के याद आया है, और वो है अपने सुविनेज। कितनी मस्त है ये, तो और भी खतरनाक है। अरे वो जैसे दिखाते हैं ना कार्टून के अंदर, एनिमेशन के अंदर जो पत्ते उड़ रहे होते हैं, एकदम पीसफुल सीन सा बन जाता है। तो ये लेते हैं, ये कितने का? ये है अपने $12 का। तो यार ये लेते हैं, नहीं काम करते ये नहीं लेते, ये वाला लेते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ पर टावर के ऊपर गया भी था। वैसे ना ब्रोज, अपने छोटी नीस के लिए ना थोड़ी बहुत यहाँ की स्वीट्स लेनी थी, क्योंकि उसको ये फनी फनी चीज़ें जो है कार्टून टाइप चीज़ें बहुत पसंद है। मेरे को लगा था कि एयरपोर्ट से ले लेंगे, इनका एयरपोर्ट कुछ खास है ही नहीं, एक नाम की दुकान नहीं है भाई, सिर्फ दारू और स्मोकिंग का सामान बेच रहा है, जो कि मेरे को चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर वो छोटी नीस यहाँ पर होती ना, तो उसमें मस्त एंजॉय करना था यहाँ पर। ये छोटे छोटे जो है कैबिन्स बने हुए हैं बच्चों के लिए, तो मतलब बाहर से ऐसे दिखता है और अंदर जाकर देखे ना तो छोटी छोटी लाइक, फिलहाल कोई नहीं है तो रिकॉर्डिंग ठीक है चलता है, कोई है ही नहीं। गेम्स वगैरह टीवी वगैरह जो आराम से बैठ के यहाँ पर खेल कूद सकते हैं भाई। ये देखो मेरे को क्या मिला, स्वीट्स। तो गाइस बेसिकली ये सारी जो है चॉकलेट है, लाइक लिटरली सारा ऊपर से लेके नीचे तक। तो अगर मैं चॉकलेट लेके जाऊंगा तो प्लेन के अंदर जो है मेल्ट हो जाएगी। दिस इज चॉकलेट एज वेल, चॉकलेट। दिस इज चॉकलेट, हाउ अबाउट दिस वन? This is chocolate as well. See? This one's chocolate contains, but this. Yeah, but in the plane, it's gonna melt. अभी अपनी छोटी नीस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। अरे ये बज रहा है, इसका मतलब मेरी कॉफी रेडी हो चुकी है। शॉपिंग वगैरह करने के बाद ब्रोज मैंने सोचा कि क्यों ना एक फाइनल बारी साउथ कोरिया की एक कॉफी ट्राई की जाए, और यह बहुत बहुत ज्यादा बेकार थी। और कॉफी पीने के बाद गाइस शुरू होती है अपनी द महान द वेटिंग गेम। पैर हिलाने और गाने सुनने के बाद हमें फाइनली मौका मिलता है प्लेन के अंदर जाने का, और अराउंड 9 घंटे प्लेन के अंदर पकने के बाद फाइनली ब्रोज हम लैंड करते हैं सैन फ्रांसिस्को। अपना गाइस सामान भी आ चुका है ये देखो, और मारे भी जो है 1 घंटे में आने वाला। और 9 घंटे पकने के बाद गाइस मेरे को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, और वो थी कॉफी। और कॉफी गटकने के बाद मेरे को दिखता है अपना नमूना। यो उसके बाद गाइस शुरू होती है अपनी दी अमेरिकन जर्नी। भैंस की आंख, एयरपोर्ट से निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया यार। सबसे पहले हमने ट्रेन पकड़ी, उसके बाद हमने जाके एक बस पकड़ी, उसके बाद हमने जाके गाड़ी पकड़ी। गाड़ी में हमें बहुत ज्यादा रैंडम बनने मिले, तो बहुत घटिया लेवल की जोकिंग करने के बाद हम पहुंचते हैं अपनी कार रेंटल की जगह। और ये वाली गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी है ये वाली। ये देख के मैं एकदम से परेशान हो गया और सोचने लगा कि अमेरिका के अंदर आए और मसल कार नहीं ली। और थोड़ी देर कंप्लेन करने के बाद ब्रोज हम निकलते हैं अपनी जर्नी के ऊपर। और ब्रोज मैं बता रहा हूँ, मारियो की ड्राइविंग USA के अंदर एकदम डेंजर लेवल किया भाई, एकदम मस्त चिल करके उसने ड्राइव किया। और फाइनली बिल्कुल सिटीज के अंदर जब हम पहुंचे तो मेरे को वही फील आई जैसा हम फिल्मों के अंदर देखते हैं। और कुछ ही देर ड्राइव करने के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं अपने होटल के अंदर। फर्स्ट इंप्रेशन, अमेरिका का फर्स्ट इंप्रेशन, वो गेम के अंदर दिखाते हैं ना, खतरनाक गाने लगे होते हैं, पुलिस की गाड़ियां वूं 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 कर रही होती हैं, लोग यहाँ भाग रहे होते हैं भाई। एग्जैक्टली लाइक GTA, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मस्त एंड स्केरी जगह है। होटल के बाद कुछ बंदे खड़े हुए थे, तो मैंने वहां पर रिकॉर्डिंग भी नहीं की, बिकॉज भाई मेरे को लगा था कि मेरी फोन चोरी हो जाएगी। ये कैसे खुलता है भाई, कैसे खिड़की है, खिड़की है ही नहीं। बट यार अपना रूम, अपना खतरनाक वाला बेड, यार अपना माइक्रोवेव, ये क्या है इसके अंदर, खाली है। फ्रिज के अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, खाली है। अपना खतरनाक वाला टीवी, ये है मेरा गेमिंग टेबल, नॉट बैड, ठीक है। अभी हमको 2 दिन यहाँ पर रहना है, दीवार के ऊपर पैचेस लग गए हुए हैं, फिक्सिंग वगैरह चल रही है, इट्स ओके। लेकिन अभी थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं क्योंकि हम जा रहे हैं यहाँ पर, ये है द गोल्डन गेट ब्रिज। अरे बापरे, अरे मारी देर को बहुत फिल्मी के पड़ी हुई है नुबड़े भाई, घर कितने मस्त है यार। पर एनीवेज घर को छोड़ते हैं, यहाँ पे पार्किंग है, सॉरी पार्किंग है, फॉलो दिस गाय। And yet अपना ब्रिज। Finally bros, पहुंच चुके हैं आइकॉनिक जगह यहाँ की, तो ये हमारा लैंडमार्क नंबर 1। आपको अभी मैं पूरा टूर करवाता हूँ वहाँ पर जाके। और दूसरी बात, अपनी सेल्फी स्टिक भूल गया था, आपके सामने मैंने फेंकी थी बिन के अंदर, लेकिन मैंने मारियो को बोल कर रखा था कि सेल्फी स्टिक लेके आइए, तो उसने बोला मेरे पास पेड़ पड़ी हुई है। तो ये देखो भैंस की सेल्फी स्टिक की अपनी सॉर्ट आउट हो चुकी है, और अब भी लगाएगी फोन, और अब भी लगाएगी फोन, चली नहीं रही यार ये। सेल्फी स्टिक के साथ लॉगिंग करने का अपना ही मजा है। यू कैन सी एवरीवन नाउ, हाय 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 हाय, ये मां ड्रामे ना कर, कुछ है ना, ये मेरी जॉब है ऐसे ऐसे करना, ठीक है। इसको मेरे साथ फोटो खिंचवा लिए इसको, कम ऑन देन, आई मेक व्लॉग्स एज़ वेल, सो पुट यू इन द व्लॉग, यू इन द व्लॉग नाउ, द ओनली थिंग यू से इज सब्सक्राइब, या यू फाइन, ओह यू आर इन द वीडियो नाउ, गेट डाउन, इट्स नॉट कमिंग, नो, बट यू आर
you wanted a video or a picture? Oh, take a picture, please. Abhi aa rahi hai Mario and Sylvia ki. Kaun Mario? Press the button. Pose, Mario, Sylvia, do a pose. Oh. मस्त जगह है यार, देख रहे हो बहुत खुली और मस्त जगह है। थोड़ी बहुत हवा चल रही है यहाँ, बट इट्स ओके। जो मेन व्यू पॉइंट था ना वो था उस तरफ, तो जब हम वहाँ पर गए तो पूरा रोड ब्लॉक था, लेकिन ये वाली जगह पे जो है गाइस नॉट बैड है। देख रहे हैं लोग मेरे को भैंस वहाँ से आ गए, आगे पीछे देख के चलना पड़ेगा यार यहाँ पर तो। Build this city on rock and roll. मेरे को तो रिकॉर्ड करना, मैं तो आया ही नहीं। No, from your phone, you stupid. ये पूरी ग्रीनरी जो है ना एकदम मस्त लग रही है ब्रिज के साथ साथ। ये ड्रामे करेगा फिर से। हमें उस पहाड़ के उस तरफ जाना था, या उस तरफ वहाँ से वहाँ ऊपर से फोटो खींचनी थी। तो ये वो वाला जगह भी मारियो ने बोला कि बंद है। यार ये देख रहे हो, ये बहुत ही खतरनाक प्रिजन है। प्रिजन आपने सुना भी होगा, अल्कट्राज। और हम कल जा रहे हैं वहाँ पर। वो सिल्विया को वहाँ पर जाने का बहुत शौक है, तो मैंने बोला पैसे क्यों खर्चने किसी बंदे को मार देते वहाँ पर पहुँच जाएंगे ऑलरेडी। इसके ड्रामे देख लो। अभी यहाँ से फोटो खिंचाने के बाद जो मैंने दूसरा पॉइंट आपको दिखाया था ना ये क्लिप की शुरुआत में, वो पहाड़ के उस तरफ वाला, तो अभी वहाँ पर चल के और फोटो खिंचानी है। बोल रहा मारिया, बोल रहा कि भैंस की जब इतनी दूर आए हैं, टिकट के पैसे खर्चे हैं, यहाँ तक पहुँची हैं, तो एक और पॉइंट सही। दिस टनल गोज टू स्लेंडरमैन की मिल। स्पूकी। टॉप वाला व्यू भी आ चुके हैं देखो, और मेरे को हल्की हल्की भूख भी लग रही है। भैंस क्या वो क्या है, देख रहे हो ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, इसको रस्सी से बांध कर रखा हुआ है वो अभी हिल रहा है। He just find out it. अटक गया, फिर से अटक गया। ग्लिच है भाई, ये ग्लिच हो रहा है सिस्टम के अंदर, देख रहे हो। रहिए अभी फिर से ग्लिच हो जाएगा। ओ ओ, गिरने वाला भाई, गिरने वाला था ये। बाप रे भैंस की, यहाँ पूरा किचन लेके घूम रहा है भाई अपना दोस्तों। अभी का ऊपर रखकर हमको फोटो वगैरह खिंचानी थी, लेकिन जब इतनी गंदे लेवल की हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है मेरे को। इसको देख लो, इसकी फोटोग्राफी कभी खत्म नहीं होती। और यहाँ का व्यू पीछे से सब कुछ दिख रहा है मेरे को, लिटरली पूरा सैन फ्रांसिस्को यहाँ से, और पूरा द गोल्डन गेट ब्रिज सब दिख रहा है यहाँ। हम यहाँ पर पता ड्राइव कर रहे थे अभी, और हमने गलती से टर्न ले लिया, और हमने एक स्ट्रीट देख ली, और ये स्ट्रीट मोस्टली फिल्म्स में होती है हॉलीवुड की, मोस्टली मैं दिखाता हूँ आपको। तो ऊपर से गाड़ियाँ आती हैं ऐसे घूम घूम के फिर नीचे। नाइस है ना, हाथ नहीं हिलाने का भाई, ओए स्टॉप ही लिए। एक फोटो खिंचवाने के लिए क्या काम हो रहे हैं यहाँ पर। अरे या तो ट्रेन मार देगी या तो गाड़ी मार देगी। बिल्कुल ट्राम से ये लोग जो हैं एकदम ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, लाइक हर जगह जहाँ से भी ट्राम जा रही है वहाँ पर खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं आप। बेसिकली वही ट्राम है ये, देखो अब यहाँ पे दूसरा रोड आ चुका है ट्राम का, और यहाँ से उनको फोटो खिंचानी है। देखो इस तरफ मर जाओगे, सालों मर जाओगे, लिटरली रोड के अंदर बैठे हुए हैं ये लोग। उधर से भी गाड़ी आ सकती है और यहाँ से भी गाड़ी आ सकती है, गाइस यू गॉट टू जाए। इतना काफी नहीं था, अभी राउंड टू चल रहा है यहाँ पर। हॉलीवुड की मूवी कभी इतना प्रोडक्शन नहीं होगा जितने कट्स ये लोग ले रहे हैं। फिर से भाग गया, ओ माय गॉड, कितनी फोटो खींच रहा है यार ये। मेरे को नहीं कर रहा, मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ। हेलो से, हेलो, एक बंदे ने भी हेलो नहीं बोला, एक बंदे ने। भाई बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और आज सारा दिन पता है बहुत ज़्यादा फोटो वगैरह खिंचा ली, सारे थक चुके हैं, और अभी थोड़ा बहुत खाने का टाइम आ चुका है। और आपको पता नहीं हम कहाँ पर हैं, बताता हूँ आपको। हाँ मैं चाइना में लिव नहीं करते, रुको मैं कैमरा फ्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है, ये दुकान भी चाइनीज़ है, वो देखो पूरी चाइनीज़ जो डेकोरेशन होती है वो सारी करके रखी हुई है। इवन ये बैंक पर भी चाइनीज़ लिखी हुई है, तो इस टाउन का नाम है चाइना टाउन। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमते हैं और खाने पीने का भी बंदोबस्त यहीं से करते हैं। और दूसरी बात ब्रोस, चाइना टाउन एकदम से लाजवाब जगह थी यार, इतनी लाइटिंग, इतनी डेकोरेशन इन लोगों ने करके रखी थी कि भाई मेरे को लगा था कि शायद नया साल आने वाला है। तो यह बहुत ज्यादा जबरदस्त लेवल की लाइटिंग थी, और शाम का टाइम है यहाँ पर। और अभी आप देख सकते हो, आपने एक बात नोटिस जरूर करी होगी, और वो ये है कि तकरीबन हर एक शॉप बंद है। तो यह खाने पीने की जगह लाइक छोटी मोटी जो रेस्टोरेंट्स टेक अवेज होते हैं वो सब बंद थे, और
शाम का टाइम है और शाम का टाइम मेरे को बात समझ में नहीं आ रही थी कि शाम के टाइम लोग नॉर्मली निकलते हैं खाने पीने के लिए और सारी चीजें बंद है, तो हमने सोचा कि क्यों ना खाने पीने की जगह ये सुविधा का काम खत्म कर लिया जाए। तो यार मारियो ने वो डॉलर वाला लेकर रखा है, मैंने ये सैन फ्रांसिस्को और साथ में एक छोटी सी ड्रम लेकर रखी हुई है। और सुविधा लेने के बाद रोज हम एक बार फिर से निकल पड़ते हैं चाइना टाउन की गलियों के अंदर कुछ खाने पीने की तलाश में। एंड फाइनली हमें मिलता है एक छोटा सा रेस्टोरेंट। साला ये मेन्यू है कि स्कूल का कोर्स अप दे रहे हैं मेरे को, इतनी सारी किताबें हैं। और अभी गाइस बैक इनटू द होटल, सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मेरी फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। मैंने अपने लिए चाउमीन मंगाई थी और चिकन मंगाया था जो कि खाने में बहुत टेस्टी था। पिछले गाइस थोड़े से ब्लॉग में इतना काफी, मेरे को बहुत ज्यादा सोना है। करीब मैंने 26 घंटे 27 घंटे से मैं सोया भी नहीं हूं, प्लेन के अंदर यहां वहां लाइफ बीत रही है। मेरी लाइफ ये सूटकेस ही है अब पिछले 3 वीक से और आने वाले 2 वीक और बस मेरी जिंदगी सूटकेस ही है। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय।